किचन में पानी आ रहा है, बाथरूम में पानी आ रहा है, तो लोग इनको भूलते जा रहे हैं, लेकिन शादी में लास्ट में इन्हीं को याद करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कभी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं देखा है तो यहाँ पर आप फुल दर्शन कर सकते हो। ये जी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो देख रहे होंगे मेरी आवाज़ दो तीन दिनों से पूरी अटक रखी है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है बात करने में, बोलने में। तो कसम से कल परसों से ना अभी थोड़ा अभी तसल्ली से बैठ रहा हूँ, वो भी यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पे थोड़ा चाय बना रहा हूँ। आज का जो कार्यक्रम होने मंगरा पूजन, क्योंकि शादी के बाद होता है, शादी के अगले दिन आज मंगरा पूजन होगा, उसके बाद जो दूल्हा दुल्हन है वो जाएगी लड़की के यहाँ और कल वहाँ से वापस आएगी। तो जो कुछ भी होगा आज का जो भी कार्यक्रम होगा वो आपको मैं बताऊंगा। अभी नाश्ता नुश्ता हो रहा है, अभी मैं चाय बना रहा हूँ नाश्ते के लिए। तो अभी चाय चुई बनाते हैं और उधर का दृश्य दिखाते हैं आपको। अभी मौसम तो काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक भी क्या है, मतलब 50-50 हो रखा है, ना ही बारिश आने की संभावना है और ना ही धूप आने की संभावना है। जो कुछ भी रहेगा हम ब्लॉग बनाते रहेंगे, पर यार दो तीन दिनों से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ यार। जो भी दो तीन दिनों से ब्लॉग बनाए हैं वो भी पेंडिंग के पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी उनको एडिट करना बाकी है। और जब जब टाइम मिल रहा है, थोड़ा बहुत जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें मैं एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार। दो तीन दिन लेट होगा लेकिन जब भी आएगा ब्लॉग काफ़ी अच्छा आएगा, बहुत मस्त वाला ब्लॉग आएगा और तसल्ली से आएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में ना कुछ भी काम ठीक नहीं होता। जल्दीबाजी में वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके बीच में काफ़ी मिस्टेक्स आ जाएगी, तो बाद में मुझे लगेगा कि यार भाई मुझे थोड़ा टाइम ले देने चाहिए था। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से व्लॉग अपलोड करेंगे। तो फिलहाल अभी चाय बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो अपनी जान में पहुंच चुकी है। हाय गाइस, अरे देखो ना भाई, ले 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 ले। तो अभी अपनी जान अपने पंकू भाई पे पहुंच चुके हैं। तो भाई दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कल कब गया तू ये बता। मैं तेरे कल रात में ढूंढ रहा, मैं बोल रहा पंकू गया कहां। मैं गया लगभग कब, 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे। अच्छा, तो अरे नहीं, मेरे को ये लग रहा था कि भाई तेरी सोने की व्यवस्था हो रही नहीं हो रही। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया रहा, मस्त मजा आ गया, शादी में मजा आया ना, बहुत मजा आया। तो आज का मंगरा पूजन होना है, तो अभी थोड़ी देर वहाँ भी जाना है। मुँह धोया, मुँह धोया तो कसम से मुंह धोने की फुर्सत ही नहीं है भाई। लग रहा है, फिर भी आवाज तेरी बहुत सही है भाई। मार्क्स थोड़ी देर बाद कोशिश करूंगा कि थोड़ा नमक वाले पानी से थोड़ा गरारा करूंगा, क्या पता उससे थोड़ा राहत मिल जाए। पूरा भाई हल्ला भी कर रहा, ठंड कम बैठ गई गले में। ये हमारी कुश्ती बुल्ली 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 है, लेकिन शादी हो चुकी है। ये हमारी बड़ी दीदी और ये भी हमारी बड़ी दीदी। शाबाश शाबाश, लगे रहो। दिव्यांशु भाई पहली बार केवल वीडियो के लिए यहाँ पे एक पूरी बना रहे हैं, इसने आज तक पूरी नहीं बनाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो दोस्तों फिलहाल अभी मंगरा पूजन का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। पंकू भाई और मैं जस्ट हम जा रहे हैं मंगरो साफ कर, या हम थोड़ा आगे निकल चुके थे। शैलेश भाई ने कहा कि यार थोड़ा उधर सफाई कर लेना। वैसे हमको भी थोड़ा बहुत आइडिया था कि सफाई करना चाहिए, लेकिन उसने हमारी आंखें खोल दी, उसने हमको थोड़ा पहले सूचित कर दिया। तो हम उधर थोड़ा सा सूचित कर दिया। बिल्कुल, अभी हम अपने मंगरे पे चलेंगे, मंगरा भी दिखाएंगे। ज्यादा बड़ा मंगरा भी नहीं, छोटा छोटा मंगरा है, उसकी सफाई करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है। कम हो चुका है उसमें आज कल। हाँ, आजकल पानी बहुत कम हो चुका है क्योंकि पानी वहाँ पे बरसात मात्रा सबसे ज्यादा आजकल। थोड़ा क्या पता, मेरे को लग रहा है आजकल थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि बर्फ लग रही है, पानी वो जा रहा है ना नीचे धूप, पर ठंड से ना पानी जम भी जा रहा है, इसलिए हो सकता है कि कम पानी होगा। जितना भी होगा, जो कुछ भी होगा, अभी हम आपको दिखाते। बस पहुँच गए यार घर से, थोड़ा सा आगे पे। तो ये रहा अपना मंगरा, जो कि काफी टाइम से यहाँ पे सफाई नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा सा गंदगी, मतलब गंदगी कुछ नहीं है, ये क्या बोलते हैं, सवाल बोलते हैं इनको, सवाल टाइप के, ये थोड़ा सा चिपक रह गया। अभी कोशिश करते हैं जो घसेड़ा है इधर, कबाड़ कुबाड़ इधर जो कुछ भी है, इसको साफ करेंगे, थोड़ा टकाटक बना देंगे यहाँ पे। और जस्ट 20 मिनट के बाद यहाँ पे मंगरा पूजन स्टार्ट होने वाला है। तो पंकज भाई हम लगते हैं अब काम पे। ये देखो इतना ज्यादा कबाड़ जम रखा है। तो दरअसल इसका जमने का कारण बताऊं क्या, क्योंकि घर घर में पानी जा चुका है, तो ये धारे दूरे इनकी जरूरत है। अब जरूरत तो है लेकिन लोग इनका यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत आलसी हो चुके हैं। घर घर पानी आ रहा है, किचन में पानी आ रहा है, बाथरूम में पानी आ रहा है, तो लोग इनको भूलते जा रहे हैं, लेकिन शादी में लास्ट में इन्हीं को याद करते हैं लोग, है कि नहीं। इनको पूछते हैं। लेकिन हमारा पानी यहीं पे से जाता है। आप यहाँ पे पाइप देख रहे होंगे, ये पाइप हमने यहाँ ज्वाइन कर रखा है और ये सीधा घर जाता है।
लेकिन जब हमको मंगरे की जरूरत पड़ती है हम यहाँ पे आते हैं और हर कोई मंगरे ही पे जाता है। लेकिन आजकल कोई 20 पे भी कर रहा है, मेरे को लग रहा काम इसमें भी चला रहा 20 में। हाँ ले तो काम चलाने वाला सीन ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह का अगर मंगरा है तो इन्हीं का यूज कीजिए शादी बरातों में। लेकिन हम यहीं पे करने वाले हैं। तो पंकु भाई यहाँ देखो, आ हा 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 भाई टकाटक करना भी आपको यहाँ पे देखो कैसा लग रहा है। एक बार दिखाता हूँ, यहीं से दिखाऊंगा अभी देखो कैसा है। और जस्ट 20 मिनट बाद दिखाएंगे हम आपको पूरा चेंज करके। तो दोस्तों ये देखो यार, कसम से लगभग एक घंटे के आसपास हो गए होगा नहीं पंकु, कसम से एक घंटे की लगातार मेहनत के चलते अभी मतलब भाई लोगों ने पूरा चकाचक कर दिया इधर। इतना ही हो पाया आराम से, क्योंकि इससे बाहर अब बिल्कुल अब इससे साफ तभी होगा जब इस पर चूना पेंट होगा, बाकी साफ सफाई करके पानी पुनी डाल करके इतना ही हो सकता है। तो अभी शायद उधर से मंगरू पूजने वाले आने वाले हैं, इसलिए हम फटाफट कर रहे हैं। फिलहाल हमारा काम हो चुका है, इधर यार कीचड़ है इसलिए हम इधर साफ नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा इधर वो भी है, क्या बोलते हैं, डामाडोल टाइप का भी इधर। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे आ चुके हैं मंगरू पूजने वाले, हमारा हाल देखिए कसम से। लेकिन हमको अपनी दिक्कत नहीं आ रहा है, इसको साफ करिए, साफ करिए, साफ कर। अरे यार ये तो हम भूल ही गए जो मेन चीज है, चल 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 बाल्टी लगा तो अभी बाल्टी लगा तो अभी थोड़ा सा लगा शर्ट पर। बस दोस्तों ये देखिए मंगरा पूजने वाले आ चुके हैं, स्वागत हो चुका है मंगरा पूजने वाले का, वेलकम है हमारे मंगरे पे। दाई तैर तैसे हट गई, दीदी ओ दीदी नाच, हाँ भाई हेलो केचर, हाँ दिला जर या ये भी बात गौड़ पहली है, ब्योली है अभी तो ब्योली भी आ चुकी है पीछे से, ब्योली जी भाभी जी। या हमारे सुपरस्टार भी आ चुके हैं, तो सुपरस्टार का भी वीडियो शूट होता हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मुखड़ी चाह रही मुंह धोने उसने क्यों। अमित भाई क्या कहोगे, दो शब्द कह दीजिए यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दो यार, दूसरी शब्द बता देते हुए क्यों मेरे बोलो मतलब है, सुनिजी क्या समझने की कोशिश करो यार। दीदी दीदी तो रोज ही बोल रही, लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल या दोस्तों ये हमारे फोटोग्राफर साहब, हमारे हिमांशु भाई, यूके टीम, क्या बोलते हैं, योगी टीम ना, योगा क्रिएशन। इंस्टा पे आप इनको फॉलो कर सकते हो, इनके जो फोटोज है वीडियो भी डाल, रील्स रूल सारे करना पड़ेगा। नहीं जो कर रहे ज्यादा जबरदस्ती क्या है, क्यों जो करेगा, जो जिनको करना होगा कर ही देंगे। और ये हमारे पवन भाई, तीन भाई है इनका, अपना स्टूडियो है, स्टूडियो भी जुम्मन इनका स्टूडियो है फुल, ये अभी नया इन्होंने स्टार्ट करा अपना फोटोग्राफी वीडियोग्राफी शादी बारात कुछ भी। आपको अगर कुछ भी फंक्शन कराना है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे क्या प्री वेडिंग और बर्थडे पार्टी किसी भी चीज के लिए संपर्क करें। बिल्कुल कुछ भी दिक्कत हो इधर संपर्क करिए, ठीक है। बुलाऊंगा भाई, और ये जो भाई है ना, ये आपको गुलजार छानी वाला जैसे लगेंगे, अभी थोड़ा सा नहीं लग रहा है लेकिन कभी कभी लगता है, मुझे तो हमेशा ऐसे ही लगता है, नाम ही मेरे वो रखा है इसको, गुलजार ही रखा है। या अपने हिसाब से अपने अपनी डिमांड द्वारा सब अपने भी डिमांड द्वारा ना तो ना दुई जटोल तो हरी मजा आया।
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अरे दंड बन भाई, बूंदी सबसे बड़ी जटोती की रे यार, सबसे सीनियर जटोती थी रे। वाह यार, हेलो 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 हेलो, कौन है यार दीदी? मेरा नेपोट कौन है? हेलो कई फोट की चुन के पापा ले जाने फोट की चढ़ भाई, कुछ होनी हो यू हेलो होने हो ये पकड़ लंग ने तो हो भाई। हेलो, हाय गाइस, तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा मंदिर पे आए हुए अपने हनुमान मंदिर पे फोटो शूट करने के लिए, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि हमारा हनुमान मंदिर ही हमारे घर से सबसे नज़दीक है। बाकी जो हमारा जागदेवता का मंदिर है वो भी काफ़ी दूर है, उसके बाद एक महादेव का मंदिर है वो भी काफ़ी दूर है, तो हनुमान मंदिर सबसे नज़दीक है। तो हमने कहा यहीं पर थोड़ा पूजा पाठ कर लेंगे, यहीं पर थोड़ा फोटो शूट कर लेंगे। पवन भाई, मेरे को भी दिखा देना। तो पवन भाई का योगा क्रिएशन का थोड़ा वो कर देना। दूल्हे साहब क्या बोल रहे, थोड़ा सा इसका बोल रहे हो बार हो प्रमोशन के अंदर थोड़ा सा बोली ला मैं लिया बार, ठीक है जो बोला था वो कर देना एक बार। अरे दुर्गेश भाई, यहाँ पर एक अद्भुत कारनामा करते हुए अपने फोन के आगे से 1.5 लाख का लेंस लगाते हुए, कैसा लगा मेरा मजाक? ये समझ रहे कि मैं लेंस लगा करके अपने फोन का जो कीमत है उसको 2 लाख कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये आपकी गलत फहमी है और इस गलतफहमी को दूर कीजिए। और लगता है वो बिल्कुल भी नहीं होता, इधर देखिए आप देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। अगर आपने कभी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं देखा है तो यहाँ पर आप फुल दर्शन कर सकते हो। ये जी, ये है। ऐसा कुछ नहीं, ये लगाया मैंने इस लेंस पे लगाया। निकन भाई आ बल यार, यार गाय जो ना यार, तुम्हार काम से गाय जो ना, अगर तुम्हारे हिसाब से निकल जाते। अरे ऐसे मत करो यार, तुम तो ये उड़ाएगा ड्रोन जो एक स्क्रू नहीं लगा पा रहे हैं। आज हम फूक से ड्रोन उड़ाने वाले, अभी देखो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं कंट्रोल पे करता हूँ, तू उस पर देख, तू उस पर देख, तू इस पर भी देना, तू इस हाथ से वो करना भाई, इसका एक ही पंखा घूम। अच्छा है मैं अंधा हूँ, भाई ओपी Day breaks and I'm burned by the morning light. Same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You